लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक अदर डिफेंस के बारे में बात करेंगे विच इज अवेलेबल टू द टॉर्टफीजर और रॉन्ग डूअर एंड दैट डिफेंस इज एक्ट ऑफ गॉड। अपने अब तक के वीडियोज में हमने इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटर एक्सियो और वॉरंटी नॉन फिट इंजूरिया, इन सभी डिफेंसेस को डिटेल में कवर किया है। हमने डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया है ईजिएस्ट वे में। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्च के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्ट ऑफ गॉड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट से डील करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एक्ट ऑफ गॉड, इसे हम विस मेजर भी कहते हैं, विस मेजर, which means superior force तो चाहे आप act of God कह लो या with major कह लो, दोनों बातें चाहे same है। and with major means superior force over which, जिसके ऊपर मैन हैज नो कंट्रोल, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो नेचुरल फोर्सेस विच आर गवर्न बाय गॉड ओवर विच मैन हैज नो कंट्रोल, या लॉसेस या डैमेजेस विच आर कॉज due to act of God over which there is no involvement of human agency, yeah, which is beyond the limit of human forces. तो कोई लॉस या कोई डैमेज जो कंप्लीटली एंड रिजल्ट है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड के वजह से, जैसे फॉलिंग ऑफ ट्री जैसे वोल्केनिक इरप्शन जैसे अर्थक्वेक, स्टॉर्म, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, इन सभी कारणों के वजह से अगर प्लेंटिफ को कोई डैमेज होता है और डिफेंडेंट ये प्रूफ कर देता है कि उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था या उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, तो ये एक डिफेंस की तरह काम करता है इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, राइट। तो एक्ट ऑफ गॉड इंक्लूड्स दोज कॉन्सिक्वेंसेस विच आर ओकेजनली द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ नेचर अनकनेक्टेड विद एजेंसी ऑफ मैन, फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग ऑफ ट्री, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक,
storm, lightning, heavy rainfall. सालमन कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड इज एनी इवेंट विच कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड बाई रीजनेबल केयर ऑन पार्ट ऑफ एनीवन. तो एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली कोई इवेंट है जिसे ह्यूमन अपने पूरे रीजनेबल केयर, अपने पूरे प्रिकॉशन के बावजूद भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसे हैपन होने से नहीं रोक सकता है. राइट. अगर हम एक्ट ऑफ गॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखें तो कहता है देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस. अब एक्सीडेंट मे बी हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस, लेकिन देयर मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एजेंसी. जैसे एक पर्सन इफ ही इज ड्राइविंग अ कार और ही इज इन ड्रंकेन स्टेट और कार चला रहा है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी, देयर इज हाई चांस कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है. लेकिन अगर एक पर्सन नॉर्मली नॉट इन स्टेट ऑफ ड्रंकेन स्टेट, अगर पूरे प्रिकॉशंस के साथ सीट बेल्ट लगा के विद इन स्पीड लिमिट गाड़ी चलाता है तो देयर इज लेस चांस कि उसका एक्सीडेंट हो. तो एक्सीडेंट में देयर मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, देयर मे बी ह्यूमन फॉल्ट, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी. राइट. तो देयर मे बी, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, और जो अकरेंस होना चाहिए इट मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच इज नॉट इन ह्यूमन कंट्रोल एंड विच कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, या जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. जैसे एक केस है हमारे पास निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, इन दिस केस डिपेंडेंट फॉर्म सम आर्टिफिशियल लेक. निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में डिपेंडेंट ने अपने फील्ड में कुछ आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट किया फॉर इरिगेशन पर्पस, एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो लेक्स के जो बाउंड्रीज थे, जो सपोर्ट्स थे, वो टूट गए और वाटर ओवरफ्लो हो गया प्लेंटिफ के लैंड में, जिसके वजह से प्लेंटिफ को हैवी डैमेजेस हुआ. और ये जो बारिश थी वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बारिश थी. तो यहां पे जो प्लेंटिफ है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज टोटली एन इंसिडेंट ऑफ एक्ट ऑफ गॉड. और इसमें जो डिफेंडेंट है उसका कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि उसने अपने लैंड पर उन लेक्स का क्रिएशन किया था और प्रॉपर सपोर्ट भी बनाया था. लेकिन ड्यू टू हैवी रेनफॉल द सपोर्ट्स ऑफ लेक्स वर ब्रोकन एंड वाटर वॉज ओवरफ्लोन. राइट. एक और केस हमारे पास कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद. कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद. Defendant, in order to build his building, made a wall. Defendant एक दीवार खड़ी करता है और कुछ समय के बाद rainfall होना शुरू हो जाता है 2.66 inches का, और उस low rainfall की वजह से भी जो दीवार है वो ढह जाता है जिससे कुछ बच्चे injured हो जाते हैं.
a suit was filed against defendant. इस इंसिडेंट को एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया और ये कंसिडर किया गया कि जरूर जो क्वालिटी ऑफ बॉल थी वो सही नहीं थी, जिसके वजह से थोड़ी सी बारिश में भी दीवार गिर गई। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड नहीं कंसिडर किया गया, देयर वॉज टोटली ह्यूमन फॉल्ट, राइट। तो सिचुएशन मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड एंड विच कैनॉट बी सेफ गार्डेड, राइट। ये है एक्ट ऑफ गॉड। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफेंस? अगर डिफेंडेंट इस डिफेंस को लेना चाह रहा है तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं? पहला कह रहा है नेचुरल फोर्सेस वर्किंग शुड बी देयर। दूसरा मस्ट बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस एंड नॉट द वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड गारंटीड अगेंस्ट रीजनेबली। तो सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे हमने देखा निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस में। डिफेंस यूज्ड इन केसेस ऑफ टॉर्ट्स व्हेन एन इवेंट ओवर विच डिफेंडेंट हैज नो कंट्रोल अकर्स एंड डैमेज इज कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। तो उस चीज पर, उस सिचुएशन पर, उस इंसिडेंट पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और वो टोटली नेचुरल फोर्सेस से गवर्न होने चाहिए, जैसे फॉलिंग ऑफ ट्री, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल। इन फोर्सेस के ऊपर, इन इंसिडेंट्स के ऊपर किसी भी तरह से ह्यूमन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और किसी तरह से ह्यूमन का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हमने इस वीडियो में समझा। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो या आपको कोई क्वेरी रह रहा है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आईडी है RA.JAN9827। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।